हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, जैसे आपको देख के पता चल ही गया होगा, आज के वीडियो की टॉपिक होने वाली है गर्ल्स को मैसेज करने के बारे में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक डूज और एक डोंट्स। जो मतलब आपको क्या करना है वो तो बताओ, उसके साथ साथ जो आप कर रहे हो या करने से रोकूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन ऑन आवर लिस्ट इज, सबसे पहला हम ये मान के चलते हैं कि आपको एक क्रश या लड़की का नंबर मिल गया है जिससे आपको बात करनी है। सो नंबर मिलने के बाद उसे तुरंत मैसेज कर दीजिए, मतलब ज्यादा वेट मत कीजिए। जितना वेट करोगे उतना दिमाग खराब होगा, सोचोगे, और ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स, उससे ज्यादा वेट मत करना, तुरंत मैसेज कर देना। और डोंट्स, स्टार्टिंग में वो पाउट वाले इमोजीज होते हैं, किस वाले इमोजीज होते हैं, स्माइलीज और लॉल्स और वो सारी चीजें फालतू में ज्यादा यूज मत करना, वो बहुत ही चीजी लग जाता है। सो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर आप कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में ऐसी चीजें मत करो, वेट करो कि लड़की आपको आगे से वैसा कोई इमोजी भेज रही है कि नहीं भेज रही। एक बार वो भेज दे, उसके बाद ग्रीन सिग्नल, आप भेज सकते हो। नंबर सेकंड ऊपर हम आते हैं कि इमोजीज पर, इमोजीज का इस्तेमाल करो। आप बोलोगे कि अभी तो ऊपर बोल रहा था कि इमोजीज मत यूज करो, मैंने बोला ऐसे इमोजीज मत यूज करो जो चीजें हो। आप नॉर्मल इमोजी यूज कर सकते हैं, जैसे गुड नाइट की बात चल रही हो तो स्लीप वाला इमोजी हो जाएगा, या फिर हाई वाले टाइम पर हाथ हो गया, सॉरी वाले टाइम पे ऐसा हो गया, कुछ भी। वैसे ज्यादा चीजी मत होने दो। तो गाइस, यहाँ पर डोंट मैं कहूंगा कि पूरा दिन या रोज उस लड़की से बात मत करो यार, उसे डस्टबिन मत फील कराओ कि आप अपना सारा कचरा उसके अंदर डाल देते हो। थोड़े थोड़े टाइम पर मैसेज करो, अच्छे मैसेज करो। लड़कियों को वैसे बंदे थोड़ा कम पसंद आते हैं जो अपना काम धंधा छोड़ के बस टेक्स्ट ही करते रहते हैं। इंस्टेड वो लड़कों को प्रीफर करेगी जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद अच्छे से बात करेगा। आप ही चूज कर लो, आप क्या प्रीफर करोगे, रोज बनने वाले दाल चावल पे या हर संडे को बनने वाले राजमा चावल पे। नंबर थ्री, कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। मतलब अगर वो आपको कुछ बता रही है तो सुनो, आपको जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी नॉलेज है वो टॉपिक के बारे में सब झाड़ दो। और अगर आपको वो टॉपिक के रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है या ज्यादा कुछ जानते नहीं हो तो आप हल्के से बड़े प्यार से टॉपिक चेंज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझसे एक लड़की DSLR के बारे में बात कर रही है, उसने नया नया कैमरा लिया है, वो मुझे उसके फीचर्स, ISO, शटर स्पीड सब समझा रही है, बता रही है, खुश हो गए। लेकिन अपने को कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है, क्या करें। तो हाँ हाँ करते करते मैं उससे कहूँगा कि यार मुझे तो भी थोड़ी सी नॉलेज तो है लेकिन इतना पता नहीं है क्योंकि मैं क्लिक नहीं करता, क्लिक करवाता हूँ। तो ऐसे ही हल्का सा फ्लर्ट कर सकते हैं या मजाक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम आते हैं अपने डोंट्स पर। गाइस, फ्लर्ट करने में डरो मत, घबराओ मत, थोड़ी सी कैजुअल फ्लर्टिंग चल जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया, मैं खिंचवाना पसंद करता हूँ, या फिर उसको टीज करने में भी मत डरो, आइए मत, लड़कियों को उतना अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो और फ्लर्टिंग हैरेसमेंट में ना बदल जाए, ध्यान रखना। नंबर फोर पर हम आते हैं मैसेज टेक्स्टिंग को, है ना, एज अ वे लो कि आपकी उस लड़की से डेट फिक्स हो सके, उससे आगे कुछ फ्यूचर बने। ऐसे टेक्स्टिंग मत करो कि बस कोई मिल गया है, उसको पकड़ कर परेशान कर दूंगा, टक 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 मैसेज भेजता ही रहूंगा। थोड़ा सा उसे भी स्पेस दो, खुद की भी स्पेस के अंदर रह के बात करो। और यहाँ पर डोंट, जो हर लड़का करता है, हर लड़का क्या, मैंने खुद ने भी बहुत बार किया है, आगे से मैसेज कर, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, अरे सब कुछ तुम ही कर दोगे तो वो क्या करेगी। गाइज, हमेशा आप अगर आगे से मैसेज भेजते रहोगे ना, फिर
तो लड़की की आंखों में आपकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी कि मीन्स अगेन बेला ही है, इसको क्या मैं भेजू, इसे मैं टेक्स्ट नहीं करूंगी तो भी आगे से कर ही देगा, ऐसा ही कोई भी लड़की सोचेगी। सो गाइस नंबर 5 पर हम आते हैं कि कैजुअल रहिए। कैजुअल रहने की जितनी हो सके उतनी ट्राई करें, ज्यादा कुछ खींचना नहीं है, कुछ उसे डस्टबिन बनाने की कोशिश नहीं करनी है, सारी कैजुअल बातचीत करना। आप अपने दिन के बारे में बता सकते हैं, उसका दिन कैसा रहा उसके बारे में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, ऐसी ही अच्छी सी कैजुअल बातचीत। डोंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा हद से ज्यादा बातचीत मत करो। आपने उसे मैसेज किया, उसके 2 घंटे बाद उसका रिप्लाई आया और आप तुरंत ही कोई भी काम करो सब छोड़ सके टक 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 रिप्लाई दे दिया। गाइस ऐसा भी मत करो। हाँ शी इज इम्पोर्टेंट, उसे वो फील कराओ कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ सारा काम धाम छोड़ के उसके ही लगे रह रहे हो। वो चीज़ उसे खुद को भी अच्छा नहीं लगेगी, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। सो गाइस बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को जहां पर मैं ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हैक्स सब कुछ लेके आता रहता हूँ आपके लिए। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे हैप्पी स्टे सेफ बाय। मोर थिंग, वापस से कुछ भी हो जाए, रिस्पेक्ट गर्ल्स या कोई भी फीमेल।